लोग आकर्षित हो। अब इसको समझिए, उन्होंने बोला क्या लिखना चाहिए, उन्होंने बोला सर सेवन बेल स्टार होटल। तो लोगों ने देखा अरे नया नाम है, तो जो भी उधर से जाता था वो देखे कि सेवन बेल स्टार, बट उसमें छह बेल लगे थे, बड़े बड़े छह घंटियां लगे थे, लेकिन लिखा कि सेवन बेल। तब वो लोगों को मसाला क्या चाहिए, वो धीरे से आकर के उनको ना डोसा खाना था ना चाय पीना था, कुछ नहीं पीना था, लेकिन उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है अरे ये गलती कर रहा है, इसका गलती निकालना है, तो आके धीरे से बैठ के चाय कॉफी और डोसा का ऑर्डर देने के बाद थोड़ा धीरे से बोलते हैं भाई साहब आपने जो होटल के बाहर सेवन बेल लिखा है, सेवन बेल कहाँ है, छह ही बेल है, या तो आप छोड़ दिए होंगे। बोला अरे 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 गलती हो गई। इस तरह से ग्राहक आना शुरू हुआ, लेकिन उनको रुचि टेस्ट आया तो वो होटल चल पड़ा। मतलब एक झूठ बोलने से कितना हुआ है, यही चीज है। आपने जो प्रश्न पूछा कि मैं बुराई, तो बोले कि आप बुराई मत देखो, फिर ये सब चीजें लोगों को समझ नहीं आती। आप इसको एग्जांपल में दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे नसीब में है, इसको फिर समझिएगा, जो तुम्हारे किस्मत है उससे आगे बढ़ के नहीं जाए। अब इसमें कई लोगों ने बैठ गया, जब किस्मत की बात है मेरे नसीब में जो लिखा है मुझे काम क्यों करना चाहिए। ये फिर भगवान बोलते हैं ऐसे निठल्ला नहीं, तुम काम करते रहो, मैं तेरे साथ में होगा, तू अच्छा काम करते रहेगा, तेरा जो फल है तेरे कर्म के अनुसार मिलके रहेगा, जो तेरा नसीब में मिलेगा, लेकिन तुमको इधर उधर होने नहीं दूंगा, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तुमको सिर्फ काम करते जाना पड़ेगा। यही अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं। अब समझिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे नसीब में है उतना ही मिलेगा, उसका क्या मतलब हुआ। अब बुरा बुरे लोगों के साथ, अच्छा अच्छे लोगों के साथ बुरा बोले उसको क्लियर समझ लीजिएगा। जो भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको नसीब तक टारगेट पहुंचाने के लिए परमात्मा बोलता है मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे को वो जो मिलना था जो भी धनराशि वो मिले मिलके रहेगा। यहां तक होगा। अब बुरे लोगों को क्यों मिल रहा, बुरे लोगों को इससे अधिक भी मिल रहा, क्यों मिल रहा है, बुरा काम करने के बाद भी इतना अधिक पैसा क्यों मिल रहा है। उसमें उन्होंने फिर कहा, फिर समझ लो, तुमको मिलेगा इससे अधिक भी मिल सकता, अगर तुम बुरे काम करोगे इससे अधिक भी मिल सकता, लेकिन तुम एंजॉय वही करोगे जो तेरा नसीब में है। अब समझ में आ गया हो कि जो तुम्हारे नसीब में उतना ही रहेगा। कई लोगों को देखे होंगे दुनिया भर का पैसा, जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेसमैन 10,000 करोड़ कमा लिया, रात दिन कम के बेमानी करके बहुत इकट्ठा कर दिया, एक दिन उसका हार्ट अटैक हुआ, उसका मर गया, मरने के बाद में उसकी जो जवान पत्नी है उसके ड्राइवर से शादी कर ली। अब ड्राइवर बोलता है मैं जिंदगी में सोचता रहा मेरा मालिक जो इतना मेहनत करता है 24 घंटा 10,000 करोड़ कमा लिया, मुझे क्या मालूम था वो मेरे लिए काम कर रहा है। ड्राइवर बोलता है मेरे लिए काम, क्योंकि शादी हो गई, अब पूरा पैसे का आधिपत्य किसके पास हो गया, नसीब में किसका है, नसीब में उसका कुछ नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती से पैसा निकाल करके बुराई करके पैसा तो इकट्ठा कर लिया, एंजॉय कौन किया, इसके नसीब में है। फिर आगे बात कुछ है। अब तीसरा ये जो हम जितेंद्र ये बता रहे हैं, तो एक्चुअली में बहुत ऊंची चीज है, जो आदमी इंद्र अपने इंद्रियों को ये जो वासना है काम क्रोध लोग जो आंखों से देख रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, बड़ा प्यार से बात करो, आप किसी को भी देखेगा, आप किसी को ऐसी धर्म अहिंसा की बात करेंगे कभी भी, इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना अच्छा बात करते हैं, कभी बुरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इतना एक अच्छा दिया हुआ, तो बोलता नहीं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो। तब फिर वो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जो आदमी, अब इसमें देखिएगा चौथा अध्याय में उसने बोला कि एक तो ज्ञान योग से बढ़ सकता है कि कर्म योग से, बोलता नहीं दोनों को मिला करके आगे बढ़ा करके साथ में एक संन्यास योग करके तीसरा और चौथे में आपने श्लोक देखा, वो 19 से 28 करीब श्लोक है, उसके अंदर में वो बीच में साफ साफ लिखा हुआ कि संन्यास मतलब यज्ञ करना है। अब यज्ञ में क्या हुआ, यज्ञ में तीन चीजें हम लोग करते हैं, अपने घर के शुद्धिकरण के लिए, और तो भगवान ने कहा कि घर के शुद्धिकरण के लिए जो जब करते हैं कि अग्नि कुंड बनाते हैं, उसके अंदर में आम के लकड़ी से इससे उसे करके, फिर एक तिल है, एक जौ है और घी, उसको हम एक आम के ऐसी बना करके चम्मच बनाकर उसमें ओम स्वाहा, तो स्वाहा क्या कर रहे हैं, संकल्प, स्वाहा मतलब क्या हुआ, मंत्र क्या है कि जो मंत्री मतलब क्या हुआ, सलाहकार, और मंत्र मतलब क्या हुआ, सलाह, सलाह मतलब मेरा वचन, ओम नमः शिवाय, मेरा क्रोध कम हो, मेरा ये वो,
ये अपने अंदर में जो आप ध्यान से निकालने कोशिश करते हो ओम नमो स्वाहा करते हैं। तो इधर तिल क्यों रखा गया, तिल क्यों रखा गया है, आम का पत्ती का क्यों रखा गया है, फिर उसमें जवारा क्यों रखा गया है, घी क्यों, क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसको बोला है कि एक चीजें एक औषधि है मेरा तन के लिए, मेरे शरीर के लिए, नैनो पार्टिकल बन के चारों ओर वातावरण बन के मुझे स्वस्थ करता है, एक तरफ हो गया। व्हाट अबाउट मन, मन के लिए क्या होता है? उसने बोला है कि जवार मतलब लंबा होता है, जव जव जो है लंबा होता है, लंबा मतलब वो तन का शरीर का द्योतक है। देखिए शरीर को जव बोला गया, फिर व्हाट अबाउट तिल, तिल मतलब मेरा मन, तिल मतलब मन। व्हाट अबाउट घी, घी मतलब जो मेरा द्रव्य फैलता है, तो वो मेरा पैसा जो हार्ड कैश, कैश बोलते हैं, कैश को हम फ्लो करते हैं, उसको घी बोले। तब उन्होंने कहा कि मेरा तन शुद्ध हो, तन में क्या विकार है, ये बीमारियां है दुनिया भर का है, ओम स्वाहा भगवान, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, स्वाहा स्वाहा, जो भी खराबियां निकल जाए स्वाहा। व्हाट अबाउट मन, दिल क्यों डाल रहे हैं, कि मन के अंदर में विकार है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसको कुछ कर दूंगा, ये जो विकार, उसको ओम स्वाहा 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 करते हैं। फिर लास्ट में जो घी मतलब पैसा, जो धन हमने कमाया था खराब विधियों से, जो मेरे घर में आज जो अशुद्धि कर रहा है, उसके लिए भी मैं स्वाहा कर रहा हूँ, इसलिए मैं घी डाल रहा हूँ। तो लोगों ने वो भौतिकता तक गिर रख गए, जिसको देखो मेरे यहाँ यज्ञ कर देना, उनको मालूम है यज्ञ क्यों कर, मेरे घर शुद्ध हो जाएगा। अरे भैया घर कैसे शुद्ध होगा, घर तेरा शुद्ध भी हो गया तो लास्ट में फिर प्रभु ये बोलते हैं उसके साथ में, संग दोष को भी याद रखना, मतलब तुम्हारे उस मकान में जो लोग घुस रहे हैं वो भी तो नकारात्मक वाले हैं, उनके कारण भी रेडिएट होते हैं नकारात्मकता, तो तुमने अभी शुद्ध किया फिर से अशुद्ध हो गया। तो पहले अपना जीवन रूपी यज्ञ, जीवन रूपी यज्ञ में ज्ञान, ज्ञान रूपी अग्नि से, अग्नि से जो कर्म कर रहे हो उसको तन मन धन से इसको आप क्लियर करो, इस तरह से उन्होंने कहा। अब इसमें हम कैसे करें, तो उसमें एक छोटी सी कहा, तो वो बोले कि किस तरह से प्रभु हम कैसे करें, हमें निरंतर करना है। तो बोला ये एक व्यक्ति जो है वो अपने साथ में जो एक जो कावड़िया रहती है उसको लेके चले जा रहे हैं, तो उसने बोला आगे तुमको हमेशा अच्छा रहना, खुश रहना, भगवान मैं सब कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं। बोले एक काम, खुश रहने के लिए कावड़िया को रखते हैं, तो सामने सफेद कपड़े से ढका हुआ, सफेद कपड़े से ढका हुआ हंडिया को, और पीछे जो हंडिया उसको काला कपड़े से ढका। अब क्या करोगे, जब तुम निकलोगे दुनिया के अंदर में अपने मन शांति के लिए, अपना खुश होने के लिए, अपना जिंदगी अपना परिवार खुश रखना है, बहुत सिंपल, जहां भी तुमको बुराई दिखे, जहां भी तुमको बुराई दिखे, उस बुराई को काले कपड़े वाले जो है ना पीछे उसको डालते जाओ, जहां भी अच्छा दिखेगा तो सफेद वाले कपड़े में डालो। ये करते रहा करते रहा, एक बार में रात को जब सोया तो भूकंप आ गया, तो हिल गया पूरा सिस्टम, मिल गया वो हड़बड़ाते हुए उठा, तो काले कपड़ा वाला जो हड्डी है वो सामने आ गया और जो सफेद वाला वो पीछे हो गया। अब क्या हो गया, जो भी आपका बात होगा वो बुरा डालते गए, बुरा सामने आ गया, बुरा जो भी हुआ काले कपड़े में डाला, करेक्ट था, सफेद कपड़े में अच्छा था, लेकिन फ्रंट में क्या था, बुरा बुरा आते सो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता। खुश होने का एक ही तरीका है, तुम अपने आप को इतना अधिक शुद्ध मन से रखो, तुम्हारे जिंदगी भर एक अलर्ट रहना, वही ज्ञान से कि हमेशा अलर्ट रहना कि तुम्हारा सफेद वाला जो हंडी है हमेशा सामने रहना, उसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन, उसी को बोलते हैं अनुशासन, उसी को बोलते हैं लक्ष्मण रेखा है। अब उसमें डिसिप्लिन रहेगा तो कैसे होगा, तो इसलिए बताया दो चीज याद रखिएगा। फिर उसको कर्म योग में तीन चीज बताए, कर्म अकर्म और विकर्म। अकर्म या निष्काम, निष्काम मतलब क्या हुआ, बिना फल की चिंता किए हुए कंपटीशन कर रहे हैं, उसमें जिस दिन तुम आप बिना कंपटीशन का तुम सोचोगे कि मेरे को जीतना नहीं है, मैं अपना शरीर का एक एक रोम लगा दूंगा दौड़ने में, आप देखते हैं जो होगा मुझे मंजूर, तो आप जिंदगी भर खुश रहोगे, लेकिन आप अगर जीतने के लिए कोशिश करोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। दिस इज द डिफरेंस, यही तो ब्यूटी है, यही चौथा अध्याय में दिखाए तो मेरे तो आंखें खुल गई, इतना शानदार बताए कि हम जिंदगी भर डिसिप्लिन में नहीं रहे कि यार खराब विचार नहीं आना चाहिए, मेरे सामने संग दोष है, आजू बाजू एकदम 95% नकारात्मक नेगेटिव विचार वाले हैं, मैं अपने आप को अलर्ट रखूं, हमेशा सफेद वाले जो हंडी सामने रखूं, ये क्यों नहीं आया,
तो इससे हमको बहुत अधिक क्लियर हुआ, बहुत क्लियर हुआ मेरे, कम से कम मैं अपने आप को क्लियर समझता हूँ कि भाई इतना अच्छा। तो इसको अगर आपको आपके दिमाग में आता है फ्यूचर में कि इसमें भी कुछ ऐड करना चाहिए, जरूर प्लीज आप इसको हेल्प करिएगा। तो हम लोग अपने आप को मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा ज्ञानी, कुछ नहीं है, हम एक तिल के बराबर है, इतना बड़ा ज्ञान है गीता। जिस दिन आप गीता को कुछ मत करो, इतना बड़ी चीज है कि आप सिर्फ अपने सिर में लग के आप अपने सर छोटे छोटे गीता के पुस्तक आते हैं अपने तकिया के नीचे रख दो, उसका ज्ञान बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। तो आज का चौथा अध्याय तक हमने ये सीखा है कि जितना तुम्हारा नसीब में उतना मिलेगा, उसका मतलब मुझे अब समझ में आया, पहले नहीं था। पहले बोलता था नसीब, अरे काम मत करो, भाग्य जो मिलेगा होगा। नो, तुमको कर्म करना पड़ेगा। भगवान बोलता मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरे अच्छे कामों के साथ में मैं रहूंगा। जहां पर तुम बुराई करोगे तो तुमको एडवाइस दूंगा बीच बीच में, ये मत करना, लेकिन तब भी तुम करोगे तो मरोगे, भगवान यही कहा। लेकिन तेरा नसीब में जो है उतना मिलेगा, उसके लिए मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, लेकिन तुम कर्म तुमको करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको बिजनेस करना पड़ेगा, तुमको नौकरी करना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छा पालोगे और जिंदगी भर तुम्हारे परिवार खुशी में रहेगी, लेकिन तुम नंबर टू से नकारात्मक विचारों के साथ में किसी को पैसा, किसी को मार करके, इसको उसको लेकर के अगर तुमने पैसा कमा भी लिया, यू विल नॉट एंजॉय, तुम खुश नहीं हो सकते, यही परमात्मा ने कहा। इसलिए नसीब का मतलब बहुत कम लोगों को मालूम। आप पूछेगा किसको, सब यही बोलेंगे परमात्मा ने जो, अरे नहीं भैया, नसीब जो है नसीब उधर रखा, मेरे कर्म जो पुराने उसके अनुसार मुझे इतना पैसा मिलना है। अगर मैं अभी भी काम नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, ये मेरे नसीब में है। तो बोलेंगे अरे यार तू इतना मेहनत करके, इतना डिसिप्लिन रह के इतना पैसा कमा रहा, वो बाजू वाले को देखो नंबर टू में इतना पैसा कमाया, इतना है, वेरी गुड। बहुत जल्दी तुम देख लेना घर में कुछ ना कुछ ऐसी होगा, वो लीकेज होंगे, चाहे बीमारी से चाहे कोई भी किसे, वो निकल करके इसके पास में जो नसीब था उतना ही रहेगा, बाकी सब ड्रेन हो जाएगा 101%। अब इसको इतना अच्छी तरह मैं सोच राजभर सोचता रहा, ये नसीब क्या होता। फिर वही क्वेश्चन आपने कहा कि बुरा करने से हमको बुरा होता है, बुरा क्यों दिखता है हमेशा,